रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। 2 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा और नए वर्ष के अवसर पर एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने दादर के शिवाजी पार्क में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर टिप्पणी की थी और लाउडस्पीकर नहीं निकालने पर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। इसी तरह के बयान को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं मुमरा के तनवर नगर इलाके में एमएनएस ऑफिस पर से बैनर्स निकालने को लेकर एनसीबी कार्यकर्ता ने चेतावनी दी थी, वरना वो अपने स्टाइल में निकालेंगे। उसके बाद एमएनएस पद अधिकारी इरफान सैयद ने हाई कमान से शिकायत की, जिसके बाद मुमरा पुलिस की तरफ से उन्हें बंदोबस्त दिया गया और रात 12 बजे एनसीपी कार्यकर्ता एमएनएस ऑफिस के पास जमा होने लगे, मगर पुलिस के बंदोबस्त को देखते हुए बैनर्स नहीं निकाल सके। आईएएस मौके पर एमएनएस पद अधिकारी इरफान सैयद और एनसीपी कार्यकर्ता अयास शेख से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। इसी तरह की और भी खबरें हम अब तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। देखिए, ऐसा है कि हमारी पूरी तैयारी थी उतारने के लिए, बट कुछ उसने जो है हमसे पहले वादा किया कि मैं 12 बजे तक मैं खुद बोर्ड उतार दूंगा, लेकिन उसने उसके बाद में वहाँ से जाने के बाद में पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेंट किया, उनके कुछ बड़े आला अधिकारी भी आए थे, उन लोगों ने भी बात की, सीनियर साहब का फ़ोन आया था। सीनियर साहब ने बोला, भाई देखिए, रमज़ान का माहौल चल रहा है देश में, वैसी बात बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, आप ऐसा करेंगे तो और माहौल ख़राब होगा, तो हम नहीं चाहते कि आपसे रिक्वेस्ट करते कि ऐसा कुछ मत कीजिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो अब मजबूरन हमें आप पे केस बनाना पड़ेगा और जो भी है उसके लिए जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे, उसमें कुछ भी अगर मामला होगा तो जो भी हो सकता है बहुत मतलब बुरा हो सकता है। हमारे कुछ ज़िम्मेदार जो लोग ऐसा नहीं है उनके बोलने पर हम नहीं रुके, हमारे कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं, मोहल्ले के भी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भी बोला कि इस तरह से मत करो, रमज़ान का टाइम करो, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा, तो इसलिए जो है हमने थोड़ा भी कार्रवाई को हमारी स्लो किया और इंशाल्लाह हमको दूसरे तरीके से उनको हम वापस मिलेंगे और वापस बोलेंगे उनको, हम हमारे गाने वो आगे प्रोसेस में क्या होता है अभी पता चलेगा। ये कारण तो नहीं कि एनसीपी में शामिल होने वाले आप? नहीं नहीं, ये सब झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एनसीपी में शामिल हो रहे नहीं हो रहे, वो अफवाह उड़ाने वाले तो बहुत सी चीज़ें अफवाह उड़ाते हैं, अब बात चली तो बहुत सी बातें होगी, तो हमने लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हुए और हमारे जो बड़े बुजुर्ग उनको ये ऑफर किया, उन्होंने एक्सेप्ट थोड़ी किया, उन्होंने हमने उनको ऑफर किया, हमारा काम है उमरा के, हम कार्यकर्ता हैं एनसीपी के, तो हम जो भी बोलते हैं हमको बोलते हैं कि एनसीपी ज्वाइन करो, लोगों ने तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोगों का क्या है, लोगों के मुंह में जबान है वो तो चलती रहे, ये भी बोल रहे हैं शायद जो भी जो जिसको समझ में आना बोले, हमने हमारी हिम्मत की, हम जितना करना चाहते थे करें। ओके, इससे पहले भी आपने एक पोस्टर फाड़ दिया था, वो लोग जानते हैं ना कि मैं करने के लायक हूँ, अब जो लोग नहीं समझते उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या वजह थी आपको इस तरीके से करने की? जब जो स्टेटमेंट राज ठाकरे ने दिया कि भाई अजान नहीं होना चाहिए, माइक निकाल दो, हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो मदरसों के अंदर छापेमारी मारो, तो जो अपनी गिरी हुई साख को उठाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो उसकी साख को कहीं ना कहीं हम भी अपनी साख दिखाएंगे ना कि हम भी कुछ हैं करके, पर राजनीति से कोई लेना देना नहीं उस चीज़ का, ये एक सेंटिमेंटल इशू है, हमारे जातिवाद का इशू है, उसने हमारे दिल को हर्ट किया है, हमारा हर्ट किया है उसने, तो इसके वजह से हमारे को करना था। लोगों का ऐसा कहना है कि आप चर्चा में रहना चाहते हैं ना? भाई राजनीतिक पार्टी हम तो चर्चा में रहेंगे ना, और कौन चर्चा में रहेगा, जब हम काम करेंगे तो चर्चा में रहेंगे ही, ऐसा दूसरी बात क्या बोलेंगे, हम तो चर्चा में रहना ही चाहते हैं, क्यों नहीं रहेंगे? ऑफिस को बंद करा के काम कर रहे हो भाई, तो राजनीति ये कर रहे हैं, रोक कर रहे हैं, तो वैसे हम भी कर रहे हैं ना, ये हमारा कैसा है, हम उसकी ऑफिस नहीं बंद करा रहे थे, हमने सिर्फ उसको बोला बोर्ड उतार, उसकी जो ऑफिस है वो एनजीओ की ऑफिस, हमने उसको ये बोला कि तुम्हारी जो एनजीओ की ऑफिस है तुम उसको चलाओ, हम उसको रोकने नहीं आए, लेकिन तुम जो इसका राष्ट्रकरण का बोर्ड आओ, वो वैसे भी बेचारा परेशान होता है, आते जाते देखते तो राष्ट्रकरण यू करता है, माइक की आजान के कान में आवाज जाती है तो परेशान होता होगा, तो खुद ही निकल जावे ना यहाँ से। राजकरण नहीं कर रही है राष्ट्रवादी, जो है वो पब्लिक के हित में हमेशा काम करती है, राजकरण जो कर रहा है वो राज ठाकरे कर रहा है, राष्ट्रवादी राजकरण नहीं कर रही है, राजकरण जो कर रहा है वो राज ठाकरे कर रहा है, राजकरण ये कर रहा है कि उसकी जो जो उसकी मलिया मेड हो चुकी है, वो जो टैक्सी कैंसिल जो बोला जाता है बंबई की आम जबान में बोला जाता है टैक्सी कैंसिल, वो टैक्सी कैंसिल जो हो चुका है ना, तो अपनी वापस टैक्सी को बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, आप बनाए कैसे, तो उसके पास एक ही मुद्दा है जातिवाद, जो आज दूसरे लोग जो है जातिवाद के मुद्दे पे अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, बस उसका पल्ला उसे भी पकड़ लिया, अब वो पल्ला उसको कहाँ तक लेके जाएगा वो देखते हैं, वो गिरना ही है, क्यों गिरना है, क्योंकि उसकी एक ही सीट जो मुमरा गौसा में आई थी शिलटाइगर पे, मनसे की जो एक सीट आई थी 300 वोट वो शिलफाटा पे आने तक माइनस था, कल्याण फाटा था नहीं, 2500 वोट से वो लीड लिया नहीं, मुमरा से वो जीत के गया, मुसलमानों के वोट से जीत के गया,
इंशाल्लाह इस बार उसकी वो सीट भी जाएगी। मुमरा गौसा का माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? वो बोलने वाले लोग बोलेंगे, अपोजिशन है वो तो बोलेंगे ना मुमरा गौसा का माहौल खराब हो रहा है। भाई वो तो राजनीति, जब राज ठाकरे को क्यों नहीं लग रहा है उनको मुमरा का माहौल खराब हो रहा है या देश का माहौल खराब हो रहा है, उस पर वो लोग चर्चा क्यों नहीं करते? देखिए तो हम सबसे पहले मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने यहाँ का वातावरण जो है, जो ख़राब होने का जो माहौल था, उन्होंने जो है संभाला और उस पर जो है यहाँ पर आए और यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट दिया गया और यहाँ पर पुलिस वालों ने उनको जो है एनसीपी के जो कुछ लोग थे जो गुंडागर्दी कर रहे थे उनको जो है बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और उनको जो है 149 का जो है नोटिस दिया गया है। सीनियर साहब ने कहा है मुझसे कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसा नहीं होगा और हम सीनियर साहब से बहुत शुक्रगुजार हैं कि माहौल जो है ख़राब ना हो ये उन्होंने ख्याल रखा। और देखो कैसा है कि हमारी जो ऑफिस है मनसे की, तो वो हम यहाँ पर जो है एक सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। अब उनका क्या है, वो दादागिरी कर रहे हैं तो दादागिरी तो यहाँ का प्रशासन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या की दादागिरी, क्या की? जैसे हमसे कहा है एनसीपी के लोगों ने आकर के, कार्यकर्ताओं ने, कि हम तुम्हारा बैनर जो है 12 बजे निकाल देंगे और जो है आप जो है बैनर निकालिए, बोर्ड निकालिए, ऑफिस बंद करिए, तो ऐसे दादागिरी यहाँ का प्रशासन चलने लगी। क्या किया उसके बाद तुमने? हमने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में और हमारे जो बड़े अधिकारी, हमने यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के आरिफ भाई, उनसे बात किया मैंने, अविनाश दादा से बात किया मैंने और जो हमें संजय नायक सर हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने जो है DCP को फ़ोन लगा करके बोले और फिर यहाँ पर से सीनियर साहब का फ़ोन आया और वहाँ से पुलिस आ गया यहाँ पर, तो फिर उनको बुला करके जो कुछ लोग दादागिरी कर रहे थे उनको बुला करके जाया था पुलिस स्टेशन में। इरफान भाई नहीं, देखिए हम जुड़ने वाले नहीं हैं। देखिए कैसा है कि जब कोई भी पार्टी, जब कोई किसी को देखती है कि भाई अच्छा एक काम कर रही है, तो उनका काम होता है बोलना कि भाई आप जो है ये पार्टी के जो सदर है वो ऐसा कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाए, उनका तो कहना होता है। हमारा काम है, हम जो पार्टी में मन से में महाराज नवनिर्माण सेना हम राज साहब ठाकरे के साथ में, हम उन्हीं को लेकर के चलेंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन नहीं, हम हमारा है तो हम किसी को उतारने थोड़ी देंगे। और यहाँ का प्रशासन जो है, पुलिस जो है और ये यहाँ का जो शासन है वो कैसे उतारने देगा? किसी को अधिकार नहीं है, ये तो गुंडागर्दी हो गई ना। कोई भी पार्टी अगर किसी बैनर आप उतारती है, ये गुंडागर्दी है, ये तो गुंडागर्दी यहाँ का प्रशासन थोड़ी सहेगा, उनके ऊपर जो है जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ओके।